गाइस, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल द जूस पॉइंट में। मैं हूं आपका दोस्त योगेश कुमार और आज के लिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक, जो कि हम घर पे किस तरीके से बना सकते हैं। गाइस, स्ट्रॉबेरी का जो मिल्क शेक होता है, इसके अंदर विटामिन सी, फोलिक एसिड, आयरन और मैग्नीशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। बच्चों, बूढ़े, किसी भी उम्र के लोग इसको पी सकते हैं, इवन यह टेस्टी भी है। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जिसमें आप सीखने वाले हैं घर पर स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक किस तरीके से बनाया जाए। तो गाइस देखिए, हमें स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने 5 मीडियम साइज की स्ट्रॉबेरी ली है। अगर बड़ी साइज की तो आप कम ले सकते हैं, या फिर छोटी साइज की तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। और 1 गिलास दूध, 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम। ये लेने के बाद में हमें जो स्ट्रॉबेरी है, इसके ऊपर जो पत्तियां हैं, इसको हम काट कर अलग कर देंगे। ये एक ही मैंने अलग कर दिया। इसी तरीके से बाकी जो स्ट्रॉबेरी है, उनके भी हम ऊपर की पत्तियां हैं चाकू की सहायता से काट कर अलग कर देते हैं। तो चलिए, ये सारी मैंने पत्तियाँ काट दी है। काटने के बाद में हमें ये जो पत्तियों का वेस्टेज है, वो हमें डस्टबिन के अंदर डाल देने का है। तो इसको मैं उठा कर डस्टबिन में डाल देता हूँ। और अब मैं एक जार लूँगा मिक्सर का, जिसके अंदर मुझे यह मिल्क शेक बनाना है। और ये जो स्ट्रॉबेरी अभी हमने इसके पत्तियाँ काटी, इसको हम एक जार के अंदर कटिंग कर देते हैं। तो चलिए, मैंने 1, 2 और ये तीसरी भी कटिंग कर दी है। इसी तरीके से ये चौथी और पांचवी। अगर आपके पास में साइज छोटी है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं स्ट्रॉबेरी। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 स्कूप वेनिला आइसक्रीम। अगर आपके पास में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है तो और भी अच्छा है, वरना आप वेनिला भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 गिलास दूध का हम इसके अंदर डाल देते हैं। हम 2 गिलास जूस है, मिल्क शेक है, वो बना रहे हैं। और अब इसके अंदर हमें डालना होगा 2 चम्मच शुगर ऐड करना होगा। तो ये 2 चम्मच मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर देता हूँ। 1 एंड 1 मोर 2, ये हो गई 2 इसके अंदर स्पून शुगर। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगाते हैं। और ढक्कन लगाने के बाद में हमें इसको क्रश करना है बहुत अच्छी तरीके से। तो हम इसको मिक्सर के ऊपर ले चलते हैं और मिक्सर का बटन चालू करके इसको चालू कर देते हैं। लगभग 4-5 मिनट तो आपको, या फिर 3-4 मिनट तो आपको इतना क्रश करना रहेगा। तो मैं भी स्विच ऑन करता हूँ। तो अभी ये स्विच ऑन होके क्रश होने लगी है। लगभग 3-4 मिनट के बाद में देखेंगे कि जो मिल्क था उसका कलर है बिल्कुल पिंक हो जाएगा। और अगर यह क्रश नहीं हुए तो आप इसे थोड़ी सी ज़्यादा क्रश कर सकते हैं। अच्छी तरह से क्रश होने के बाद में आप 2 अलग स्ट्रॉबेरी रखेंगे जिस भी गिलास में, उसको डेकोरेट करने के लिए। और इस तरीके से उसकी पत्ती काट कर बीच में से कट लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी जो स्ट्रॉबेरी, उसी को भी मैं कट कर देता हूँ। और कटिंग करने के बाद में इसको मुझे गिलास के ऊपर लगाना है। ये मैंने कट कर दिया है। अब मैं 2 गिलास लेता हूँ, जिनके ऊपर डेकोरेट करने के लिए इस तरीके से लगा देता हूँ। तो ये मैंने 1 गिलास पर लगा दिया है। इसी तरीके से दूसरे गिलास पर भी लगाने का है। तो बहुत अच्छा दिखेगा आपका गिलास है। और इसके अंदर हम डालने वाले हैं अभी स्ट्रॉबेरी का जो मिल्क शेक हमने तैयार किया था। देखिए गाइस, बहुत ही थिक और बहुत ही अच्छा जूस बना है। इस तरीके से हम घर पर स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना सकते हैं। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने सीखा कि हम घर पर स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरी आगे की रेसिपीज जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइस। आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ओके बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।